हेलो दोस्तों दोस्तों, आपने अपने जीवन में ऐसे सक्सेसफुल लोग या फिर स्टूडेंट देखे होंगे जो 15 से 16 घंटे अपना काम करते हैं, या फिर स्टूडेंट जो 14 से 15 घंटे अपनी पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यह नहीं बताने वाला कि आप भी 14 से 15 घंटे अपने काम करो या फिर पूरे दिन अपनी बुक लेकर बैठे रहो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि आप किस तरह से उस काम को खोज सकते हो जिसके अंदर आप कुछ अच्छा या फिर कुछ नया कर सकते हो। इसके साथ ही आप उस काम को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि आप किस तरह से उन कामों को खोज सकते हो जिसके अंदर आप दुनिया के सामने कुछ नया कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी डेली रूटीन या फिर डेली लाइफ पर फोकस करना होगा कि आप किन कामों को मज़े से कर सकते हैं या फिर किन कामों में आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। कौन कौन से वो काम हैं जिनको आप घंटों तक कर सकते हैं और कौन कौन से वो काम हैं जिनको करने में आपके घंटे निकल जाएं फिर भी आप उस काम को करने में बोर ना हो। चाहे आपको उस काम से कोई अच्छा रिजल्ट मिले या फिर ना मिले, या फिर आपकी उस काम से कोई कमाई भी ना हुई हो, फिर भी अगर आप उस काम को करना चाहेंगे तो आप उस काम में कुछ नया ज़रूर कर सकते हैं। अब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि दोस्तों, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही पसंद होता है, जिसमें किसी को फुटबॉल या फिर क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट होता है और वे लोग कितने भी घंटे उस गेम को या फिर क्रिकेट को खेल लेते हैं और उस काम से बोर भी नहीं होते हैं। उन लोगों का उस गेम के लिए कुछ एडिक्शन होता है और वे लोग हमेशा उसी गेम को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह आपको भी उसी काम को सिलेक्ट करना होगा जिस काम को आप थकने के बाद भी आपका मन करे कि नहीं, थोड़ा काम और कर लेते हैं, और आप उसी काम के अंदर अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हो। इसी तरह कुछ लोगों को मोबाइल या फिर वीडियो गेम खेलना बहुत ही पसंद होता है। उनको कितने भी घंटे मोबाइल या फिर वीडियो गेम खेल लें, वो उस चीज़ से बोर नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों को गेम खेलना बहुत ही पसंद होता है और वे लोग हार्ड गेम को भी इजीली खेल लेते हैं। तो दोस्तों, अब इस फील्ड में कमाई की बात करें तो आप इस फील्ड के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आप अपना एक गेम तैयार कर सकते हो और उस गेम को किसी को बेच सकते हो या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो जहाँ पर वो प्लेटफॉर्म आपको कुछ इनकम भी देता है। इसके अलावा दोस्तों, आप गेम डिज़ाइनिंग, एनिमेशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो या फिर एनिमेशन क्रिएट भी कर सकते हो। इसके साथ ही आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर वेब डिज़ाइनिंग सीखकर आप उसी फील्ड के अंदर कुछ नया कर सकते हो। आप उन लोगों से कुछ नया ज़रूर कर सकते हो जो आज के समय के अंदर उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इस तरह आपका इंटरेस्ट चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको उसी काम को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और पूरे मन से उस काम को करिए सफलता पाने के लिए। इसके साथ ही कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट होता है, हमको उस फील्ड में जॉब ही नहीं मिलती है या फिर हम उस प्रोफेशन से कमाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको निराश होकर उस काम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों, जिस दिन आपको जॉब मिलेगी या फिर आप अपने प्रोफेशन से कमाई
करने लगोगे, तब आपने अपने काम में कुछ नया कर दिखाया, तब आपको दुनिया जानने लगेगी और सब जगह आपके बारे में ही बताया जा रहा होगा और आप उस दिन बहुत ही ज़्यादा पा लोगे जिस दिन आपके पास जॉब नहीं थी। तो इस तरह दोस्तों आप अपने इंटरेस्ट पर फोकस करिए तो आप एक दिन उस फील्ड में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजफुल और मोटिवेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए।